एक ऊंट का डिजाइन बनाने में कितना प्राइस लेते हो आप? आप मनचाहा डिजाइन बना सकते हो यहाँ पर, जैसा मालिक चाहे। पैसा लगे और बना दे कैसे। अच्छा, एक ऊंट का ये डिजाइन बनाने में कितना टाइम लग जाता है बाबा? इसका प्राइस कितना है ऊंट का आपके? ये भाई साहब गाड़ी को अलग कर रहे हैं ऊंट से। कहाँ से आए भाई साहब? ये कहाँ पर है? कोला है, बीकानेर से ही आयो? अलग रह गया। अच्छा, तहसील कोला ही पड़े हमारे। तहसील कोला है, जिला बीकानेर है। तो अभी पहुंचे हो आप? अभी पहुंची हो। यहाँ पर कितने दिन रहोगे? हम देखो सा, बिकने मत बात है। कितने ऊँट लेके आए हो आप? पाँच है। पाँच है, और ये ऊँट है इनका। आपने तो सजा भी अच्छा रखा है इसको। ये गाड़ी को अलग कर रहे हो ऊँट गाड़ी को। एक ऊपर आपने चेन बांध रखी है और एक ये पट्टा बांध रखा है। तो अभी ऊंट गाड़ी लेके ही आए हो वहां से? कितना किलोमीटर आपका? ये हो गया भाई, ऊंट गाड़ी से अलग हो गया। जब इसको फिर से लगाएंगे तो ये पट्टा फिर से उसके वहां पर गले के ऊपर लगा देंगे और ये चेन इसके ऊपर बन जाएगी। वहां पर जो पिलान है वहां पे बन जाएगी, ये नीचे आ जाएंगी यहाँ पर। ठीक है, तो ऐसे तीन आपको रस्सियाँ बांधनी होती है, एक ये और एक ये ऊपर वाला, एक ये चेन, ये इस साइड है ये चेन। इतने में ऊँट गाड़ी के साथ अटैच हो जाता है। तो ये है मेले का दृश्य भाई। ये गाड़ी के स्टैंड, यहाँ पर दो स्टैंड बने हुए हैं। यहाँ पर भी ये भाई साहब ऊँट गाड़ी को अलग कर रहे हैं। आप इनके साथ में ही हो? सब साथ में ही हो, एक ही गांव से ही हो। चलो अब और आगे चलते हैं। इसके ऊपर भी देखो डिज़ाइन बना रखे हैं, ऊँट के ऊपर, पूँछ के ऊपर भी बना रखे हैं। चलो भाई आगे चलते हैं। अब राम राम बाबू जी, कहाँ से आए हो? पांचू से। हैं? पांचू। ये कहाँ पे है? जिला कौन सा है? जिला बता दो। बीकानेर। बीकानेर। यहाँ से कितना किलोमीटर है? 45 किलोमीटर। 45 किलोमीटर। कब से आए हो यहाँ पर? कल। कल से। और कितने दिन रुकोगे? चार दिन। अच्छा, पूरा सामान साथ में ही लेके आए हो? चार दिन का स्टॉक। इनके ऊँट के खाने के लिए भी है और खुद के आटा वगैरह भी है। तो ये कौन सी नस्ल का ऊँट है आपका? बीकानेर नस्ल का। बीकानेर खास, खास बीकानेर। अच्छा, बीकानेर नस्ल का है। नाथू से थोड़ा। इसका प्राइस कितना है ऊँट का आपके? इनका क्या प्राइस? मोल। हाँ, मोल। मोल 80,000। 80,000 रुपये। तो और जो नस्ल होती है वो कौन कौन सी होती है? सातोरी है, जैसलमेरी है, बाड़मेरी है। अच्छा, बाड़मेरी है। पूरे राजस्थान से यहाँ पर ऊँट आते हैं? हाँ, पूरे राजस्थान का ऊँट आता है। तो आप कितने लेके आए हो यहाँ पर? आंगन है 20-22। 20 से हर साल आते हो आप? हाँ, हर साल आते हैं। हर मेले जाता है, नागौर जाते हैं। नागौर और जैसे पुष्कर जाते हो? पुष्कर जाते हैं, सब मेले जाते हैं। ठीक है, देवासी हैं। देवासी। ये इनके नाक पर क्या लगा रखा है? ये लूम्बा लगा है। लूम्बा फुटरा पेटली। अच्छा, सजावट के लिए। और ये जो आप इनकी कटिंग करते हो घर पे ही करते हैं? नहीं, घर पे नहीं, इधर ये डिजाइन कर रहे हैं। अच्छा, ये ऐसे करते हैं? ये डिजाइन करता है बाबा। अच्छा, ये बाबा डिजाइन करते हैं। तो यहाँ पर डिजाइन भी करवाते हैं लोग? हाँ, ऊँट लेके आते हैं वो। हाँ, डिजाइन भी करवाते हैं। डिजाइन से पूरा पलट। बाबा आपको कितना टाइम हो गया यह काम करते हुए? 32 साल। 32 साल। तो अब इनके बाल काट रहे हो और डिजाइन बना दोगे इनके? कहाँ से बाबा आप? बादनू, बीकानेर। बादनू बीकानेर से। आप हर मेले में जाते हो जहाँ पे ऊँट इकट्ठे होते हैं? तो अभी इनके बाल बड़े थे ऊँट के, तो बाबा इनको काट के छोटे कर रहे हैं।
यहाँ पर अब डिज़ाइन धीरे धीरे तैयार हो रहा है। इस साइड भी लगे हुए हैं, ये बाबा भी। आप मन चाह डिजाइन बना सकते हो यहाँ पर, जैसा मालिक चाहे। पैसा लगे और बना दे कह दिसो। अच्छा, एक एक ऊंट का डिजाइन बनाने में कितना प्राइस लेते हो आप? नाग जी 20,000 नहीं, एक के ऊपर जैसे डिजाइन बनाते हो तो कितने पैसे लेते हो एक से? एक ऊंट का नहीं, अब जैसे ये है इसके बनाओगे तो इसके कितने पैसे लोगे? 200 रुपये एक ऊंट के। दिन में कितने बना देते हो आप? बना देते हैं एक आदमी सात आठ ऊंट बना देता है। ठीक है, अभी यहाँ पर ऊंट का डिजाइन तैयार हो रहा है। इनके भी बाबा अलग अलग डिजाइन होते हैं। यहाँ पर ऐसे कट बन गए, थोड़ी देर में ये पूरा तैयार कर देंगे बाबा। एक ऊंट का ये डिजाइन बनाने में कितना टाइम लग जाता है बाबा? 20 मिनट लगते हैं। 3 आदमियों के 20 मिनट लगते हैं। ठीक है, तो ये है भाई दोस्तों ऊंटों का मेला। अभी तो जैसे ऊँटों की तादाद कम हो रही है, ट्रैक्टर वगैरह आ गए हैं, कुछ असर पड़ा है ऊँटों के ऊपर? ये बहुत बढ़िया नहीं। अच्छा, अभी भी चलते हैं ऊँटों का असर पड़ा है, 1,00,000 रुपये कोई मांगा आलम टाइम। हाँ, वो बात तो है, पर अभी ट्रैक्टर वगैरह आ चुके हैं तो इनकी थोड़ी वैल्यू कम हो चुकी है, ये बात तो है। वही तो बात है, वही तो मैं बोल रहा हूँ, जमाना बदल रहा है तो ऊँटों की वैल्यू कम हो रही है धीरे धीरे। अब हो सकता है आगे 10-20 सालों में ऊँटों के मेले ही खत्म हो जाए। तेजी आएगी अभी, डीजल महंगा होगा ना। हाँ, डीजल महंगा हो गया ना। हाँ, इस वजह से ऊंटों किसान के बैठे ऊंट काम लेना पड़ी। हाँ, आज को करना पड़ से गाड़ा थकड़े जोड़ना पड़े, ऊंटों से ही काम करना पड़ेगा तो तेल में महंगा हो गया। ठीक है, हाँ ये बात है, डीजल लगभग 100 रुपये के आसपास है। 100 रुपये मानो। और यहाँ पर बाबा जी ने लगभग तैयार कर दिया ये डिजाइन, देखो। दोनों साइड बाबा जी एक जैसा ही डिजाइन बनाओगे या फिर अलग अलग? एक जैसा ही, तो इनके अलग अलग डिजाइन होते हैं। अच्छा, जो मालिक करवाता है उसी हिसाब से करते हो आप? तो पैसा सारा ही वैसा है, जैसे किसी पर बहुत ज्यादा डिजाइन होते हैं उसके ज्यादा पैसे लगते हैं, क्योंकि उसमें टाइम भी बहुत ज्यादा लगता है। 5-4 दिन लगे। चलो ठीक है बाबू जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। दोस्तों लगभग 2 किलोमीटर एरिया में फैला हुआ ये ऊँटों का मेला है, और यहाँ पर आपको सामने गुरु जम्बेश्वर महाराज का टेंपल नज़र आ जाएगा। और इस साइड ऊँट है लगभग पूरे एरिए में, इस साइड तक ऊँट है लगभग 2 किलोमीटर के एरिए में है। यहाँ पर भी आपको नज़र आ रहे होंगे, वहाँ दूर दूर तक ऊँट ही ऊँट दिखाई देंगे। वो देखिए, वहाँ पर भी ऊँट और गाड़ी आपको नज़र आएगी।